बात हरियाणा कांग्रेस की, जल्द फेरबदल यहां हो सकता है, इस बारे में संकेत दिए हैं कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने। उन्होंने कहा कि पार्टी में नई जान और ऊर्जा देने की जरूरत है। हरियाणा कांग्रेस अपने संगठन में फेरबदल की तैयारी में है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आपसी कलह पार्टी पर भारी पड़ रही है, जिससे केंद्रीय नेतृत्व भी परेशान हो चला है। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व भी हरियाणा कांग्रेस में फेरबदल को जरूरी बता रहा है। तजर्बा और तरुणाई का बहुत अनूठा और उत्तम मिश्रण सोनिया जी और राहुल जी ने कांग्रेस में पुनर्गठन की प्रक्रिया से दिया है। हम जो सबसे बेहतरीन तजर्बेकार लोग हैं, और तजर्बा केवल कांग्रेस के पास है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं और एक नई पीढ़ी को आगे जिम्मेवारी के पदों पर बने रहने और आगे बढ़ने का मौका भी देते हैं। यही इस पुनर्गठन की प्रक्रिया का संदेश है। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठ रहे सवाल का जवाब देते हुए रणदीप सुरजेवाला ने साफ किया है कि राहुल गांधी लगातार अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। राहुल गांधी जी अपनी जिम्मेवारी निर्णायक तौर से निभा रहे हैं। जिस प्रकार से पार्टी में निर्णायक फेरबदल की प्रक्रिया जारी है, ये उससे साबित होता है, और आप ये पाएंगे कि आगे आने वाले समय में उनकी जिम्मेवारी और गहन होगी, और वो देश के प्रति और कांग्रेस के प्रति अपनी जिम्मेवारी को लेकर सचेत भी हैं, सजग भी हैं। हरियाणा में 2019 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अगले साल से सियासी सरगर्मियां तेज हो जाएंगी। इससे पहले केंद्रीय नेतृत्व हरियाणा कांग्रेस में जारी कलह और विवाद को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्कूलों में नियम 134A के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं मिलने की शिकायत पर गुरुग्राम प्रशासन सख्ती दिखा रहा है। गरीब परिवार स्कूलों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं, लेकिन दाखिले नहीं मिले, लिहाजा अब प्रशासन सख्ती दिखा रहा है। गुरुग्राम के निजी स्कूलों में धारा 134A के तहत 172 बच्चों को एडमिशन मिलना था, लेकिन स्कूलों की मनमानी के चलते महज 56 बच्चों को ही दाखिला मिल पाया। इससे नाराज अभिभावकों ने जिला उपायुक्त से शिकायत की, जिसके बाद एडीसी को मसले के हल की जिम्मेदारी सौंपी गई। बच्चों के पेरेंट्स के मुताबिक वो स्कूलों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं। बच्चे टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाए हैं, उसके बावजूद स्कूलों का रवैया उदासीन है। लेटर हमने स्कूल में दे दिया, उसके बावजूद वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हमें। हम बार बार चक्कर काट रहे हैं उनके स्कूलों के, और बाबा फोन कॉल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से कोई आश्वासन किसी प्रकार का कोई बुलावा नहीं आ रहा एडमिशन के रिगार्डिंग। मेरी बच्ची है 4th क्लास में, लेकिन चक्कर पे चक्कर काट रहे जा रहे हैं, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। एडीसी ने भरोसा दिया है कि मसले को संबंधित स्कूल प्रबंधन के साथ बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा। अगर निजी स्कूल बाज नहीं आते तो उचित कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। जहाँ जहाँ ये शिकायत आ रही है कि स्कूल्स एडमिशन नहीं ले रहे हैं या एडमिशन डिले कर रहे हैं, वहाँ बीओ स्तर की कमेटी को स्पष्ट आदेश है कि जो स्कूल इन नियमों का पालन नहीं करता, उसकी डी रिकॉग्निशन के लिए सिफारिश निदेशालय कर दी जाए। शिक्षा देने की जिम्मेदारी संभाल रहे स्कूल ही अगर बीपीएल परिवारों के बच्चों को गले लगाने से बचते रहेंगे तो सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारों तक ही सीमित रहेगा। गुरुग्राम से आलोक उपाध्याय, जी मीडिया।